बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदा से बचाव एवं प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के अभ्यास के लिए शुक्रवार को जिला हमीरपुर में भी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की निगरानी में मेगा माग एक्सरसाइज आयोजित की गई। मेगा माग एक्सरसाइज के लिए पूर्व निर्धारित परिदृश्य के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे जिला हमीरपुर में भारी बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जो है पूरे प्रदेश भर में आज एक मेगा मॉक एक्सरसाइज आयोजित की है और इसमें जिला हमीरपुर भी शामिल रहा। और इस जो मेगा मॉक एक्सरसाइज है इसका जो मेन जो थीम था, मेन जो इसका जो केंद्र बिंदु था वो था बाढ़, भूस्खलन और ग्लेशियर लेक हॉट वॉश के कारण जो जमीन आपदा आती है उस आपदा के दौरान किस प्रकार जो है राहत एवं बचाव कार्य किए जाए और किस प्रकार जो है लोगों को सेफर प्लेसेस के ऊपर जो सुरक्षित स्थानों के ऊपर जो है की तरफ जो है शिफ्ट किया जाए उसका जो है आज पूर्वाभ्यास यहाँ किया जा रहा है जिला हमीरपुर में भी। और इसमें जो है हर उपमंडल स्तर पर जो है जिला के 500 उपमंडल जो है उनमें ये आज मौके एक्सरसाइज की जा रही है। और इसके लिए जो है जिला जो हमीरपुर सब डिविजन है उसका जो स्टेजिंग एरिया है वो पुलिस ग्राउंड में बनाया गया है और सुजानपुर सब डिविजन का जो स्टेजिंग एरिया है वो सेंस कैंडी स्कूल सुजानपुर में और नदौड़ का डाइट मैदान रोना में और बरसर सब डिविजन का जो स्टेजिंग एरिया था वो बनाया गया था बरसर कॉलेज में और इसके अलावा घोड़ी में भी जो है स्टेजिंग एरिया बनाया गया था। और इस दौरान जो है 5 स्थानों पर जो है बचाव एवं राहत कार्य को अंजाम दिया गया बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से जो IS सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल काम करता है उसके तहत ये सारा एक्सरसाइज की गई। और इसमें जो मुख्य जो स्थान थे जो जहाँ ये रेस्क्यू किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया उसमें मुख्य स्थान रहे मसियाना, गौना करौर, सुजानपुर में जोर पलाही और भोरिंज में जाम और बड़सर में जो डेली कॉलेज का जो आसपास का एरिया है वहाँ पर ये सारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको अंजाम दिया।